आई थिंक ए एंड बी इन ऑल द पेपर सेट, जितने भी पेपर सेट है अपने पास, वी हैव कंक्लूडेड. सो नाउ आर स्विचिंग ओवर टू पेपर नंबर 3 ऑफ लिबर्टी, राइट. पेपर 3 लिबर्टी सेक्शन सी. नाउ मार्वल की बारी आएगी सेक्शन सी में, बट लेटर ऑन, बराबर. तो अब मार्वल टाइम बीइंग जा रहा है आउट ऑफ टच. पेपर 3 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 37. आपको 3 ग्राफ दिए हैं, लुक एट दिस. एक ऐसा है, आप समझ जाना. सेकंड ग्राफ ऐसा है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिखता हूं बाद में. ऐसा है, यू गाइस आर नोइंग, ये वाई, ये एक्स डैस, ये एक्स, ये वाई, वाई डैस, एक्स, एक्स डैस, वाई, वाई डैस, एक्स एंड एक्स डैस. ऐसे क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल पूछते हैं. तो कितने यहां पे जीरो से वो बताने हैं. वाई इक्वल टू पी एक्स, वो मैं आपको पहले बता दू. तो वाई एक्सिस पे जहां, एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेंगे 1 0 पहले वाले में, 1 2 एंड 3 0 यहां पे. और इसका अगर आप लोग देखेंगे तो इसका भी 1 0. ये पैराबोला है और बाकी राइट क्यूबिक का ग्राफ लगता है. यार वो क्वेश्चन नंबर 37. नाउ लुक एट दिस 38. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट के इज नॉट इक्वल टू 0 लिख के तैयार रहने का. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 दिया है. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 0 रिस्पेक्टिवली 1 1 ही है. लो दैट मीन्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पर के इज नॉट इक्वल टू 0. आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वेर के इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसे एकदम फालतू किस्म का है. नेक्स्ट वन 39. सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. कौन सी मेथड है, तो आप धड़ाधड़ इसको करते जाओ. 7x - 3y = 11 एलिमिनेशन मेथड से करना है. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. मल्टीप्लाई करो तो पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 4. 9 3 are 27x - 12y = 42. यहां पे टेक्सचुअल सम स्टार्ट हो गए माय डियर स्टूडेंट्स. टेक्सचुअल मतलब कि जिनको टेक्स्ट बुक ही करनी है वो यहां पे ज्यादा अटेंशन में रहे. -x = -2 मींस आपका x आ गया 2, राइट. एक्स 2 आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में रखो. 9 into 2 - 4y = 14. -4y = 18 है, उस तरफ जाएगा तो -4, राइट. तो y = 1 आया, मतलब कि आपका सॉल्यूशन x, y = 2, 1, बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 40. नंबर 40 देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 दैट इज इक्वल टू 0. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. अगर रियल रूट है तो फाइंड करो. कंपेयर दिस विद ax² + bx + c = 0 वेयर a इज 2, b इज -3 एंड c इज 5. लेट्स फाइंड d डिस्क्रिमिनेंट, या तो इसको दूसरा कौन सा वर्ड बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, भाई याद है? क्राइटेरिया. -4 × 2 × 5
which is less than 0, kitna acha, no roots are possible. No roots are possible, that's great. समझ में आ रहा है ना? तो कुछ है ही नहीं. मार्वल के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, लिबर्टी के भी ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, बट गाला एकदम ऑर्डिनरी है. आपको प्रूव करना है A1.7, B4.2, C1.-1 एंड D-4.4 वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर प्रूव करना है. तो मैं आपको बता दूं वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है. पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर इतना फाइंड करोगे सभी इक्वल आएगा तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों होगा. बट डायगोनल अगर इक्वल आया, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट आया तो वो स्क्वायर रहेगा. दैट इज द डिफरेंसिएशन. तो स्टार्ट करें AB स्क्वायर 1-4 द होल स्क्वायर, 7-2 द होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, 34. लेट्स हैव अ लुक एट दिस BC स्क्वायर 4+1 द होल स्क्वायर, 2+1 द होल स्क्वायर. देखो 4+1 द होल स्क्वायर, 2+1 द होल, बीच में माइनस की साइन होती है जो प्लस हो जाता है. 5 का स्क्वायर करो 25, 3 का स्क्वायर करो 9, ये हुआ भी 34. CD स्क्वायर देखते हैं, CD स्क्वायर -1+4 द होल स्क्वायर, -1-4 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर -5 का भी स्क्वायर 25 ही होता है, वो भी 34. सीडी के बाद DA स्क्वायर चेक करते हैं तो के 1+1 द होल स्क्वायर एंड 7+1 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1+1, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर, राइट आपका सॉरी डी कुछ अलग ही है, -4 गलत ले लिया है, 1+4 है और 7-4 है, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया 34. आंसर नहीं आने से ही पता चलता है कि वी हैव डन सम मिस्टेक, राइट. तो आपको भी पता चल जानी चाहिए. सभी साइड इक्वल AB, BC, CD, DA. That means there are two possibilities. It could be a square, it could be a rhombus. But अगर diagonal midpoint से करोगे तो भी वापिस दोनों चांस आएगा. Diagonal का midpoint find करोगे तो भी rhombus and square आएगा. तो क्या differentiation है? तो कि diagonal equal आना चाहिए. Let's look at that AC square. 1+1 the whole square, 7+1 the whole square. 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 68 आया, जो मैं पहले फाइंड कर रहा था. और AC के बाद दूसरा लेते हैं BD स्क्वायर. BD स्क्वायर में 4+4 द होल स्क्वायर एंड 2-4 द होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब के वो भी 68, मतलब के डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. फ्रॉम रिजल्ट ये आपका 2 और ये आपका 1. फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन डिड्यूस दैट इट इज अ स्क्वायर. मैं लिखता नहीं हूं बट आपको मैं बता देता हूं ओरल. 1 रिजल्ट 1 एंड 2 फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डिड्यूस दैट इट इज अ स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप बीच में अगर आपने वो PDF भेजा था मैंने चैप्टर नंबर 3 का, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बराबर. नहीं हो तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. है तो पूछ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आया है आपका 42. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है. लो मतलब के होपफुली ये आपके सिलेबस के बाहर का हो गया, क्योंकि एरिया आपको है ही नहीं सिलेबस में. चलो देखते हैं फिर भी. -4-2 -3-5 3, -2 एंड D 2.3. दो ट्राइंगल का एरिया ढूंढ लेते हैं. ट्राइंगल
quadrilateral ABCD equal to area of ABC plus area of ACD. पहले area of ABC ढूंढते हैं. X1, Y2, Y3, Y1, sorry, X2, Y3, Y1 and X3, Y1 minus Y2. तो हाफ x1 मतलब के माइनस फोर, माइनस फाइव माइनस टू मतलब के प्लस टू, x2 माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू, x3 थ्री माइनस टू प्लस फाइव. चलो देखते हैं, माइनस थ्री माइनस फोर ट्वेल्व, जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, ट्वेंटी वन बाय टू पहला आया. ये शायद टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है. ट्रायंगल एसीडी का एरिया ढूंढते हैं डायरेक्टली हाफ. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री, थ्री थ्री के बाद आपका यहां पे x1 x2 x3, ये x2 है, y3 थ्री प्लस टू और x3 टू है, टू माइनस टू माइनस माइनस टू. वाओ, माइनस फाइव, फोर जा ट्वेंटी और ये तो आपका जीरो. थर्टी फाइव बाय टू, दोनों को प्लस करो एंड गेट द आंसर, ट्वेंटी वन बाय टू प्लस थर्टी फाइव बाय टू दैट इज फिफ्टी सिक्स बाय टू. आपका आंसर 28 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया. आप लोग सब देख रहे हो कि बोल भी नहीं रहे हो कुछ भी. आउट ऑफ सिलेबस था तो सर हम लोग थोड़ी देर के लिए व्यूअर्स लेकिन 43 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी स्कूलों में पूछा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. इसको आप समझ लो कि आया ही बोर्ड एग्जाम में. सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 24 पर मीटर इज रुपीज 5280. चलो फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर यू गाइस. फील्ड इज टू बी प्लाउ एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड. चलो पाई लेना है 22/7. पहले तो फेंसिंग है तो पेरीमीटर या तो सर्कमफेरेंस ढूंढते हैं, राइट? तो सर्कमफेरेंस या तो लेंथ या तो पेरीमीटर, राइट? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर रुपीज 5280, नीचे रुपीज 24 पर मीटर, मतलब कि आपका आंसर मीटर में आएगा 5280 को बच्चों इतना तो करो, 24 2 48, टू ट्वेंटी बराबर है सर्कमफेरेंस 220. लिख भी रहे, वाह वाह. सर्कमफेरेंस मतलब के 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 220, दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 220, 22 10 जा 25 जा, तो आपका रेडियस आया 35. चलो 35 आ गया अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो. अब एरिया,
बराबर क्या होता है एरिया? सर क्या पता, 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 110 इंटू 35 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3850 आई थिंक सो, 3850 मीटर स्क्वायर। कॉस्टिंग देखो, कॉस्टिंग राइट, 1 मीटर स्क्वायर का 0.50, तो 3850 मीटर स्क्वायर का आधा कर देना है 3850 इंटू 0.50, मतलब 50/100, लो 0000। कितना कॉस्टिंग आया? तो के टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन है सर, ₹1925। तो ये आपका बड़ा सा क्वेश्चन 43 था। नेक्स्ट वन 44। सेक्शन सी में दो ही क्वेश्चन बाकी बचे हैं, दो ही क्वेश्चन। नंबर 44, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले फॉर्मूला लिख ही देने की, और जो गिवन है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बराबर क्या क्या दिया है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 और एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है, दैट्स ग्रेट। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यूज करना है पाई 3.14। तो चलो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 314/100, रेडियस है 4, थीटा है 30। तो क्या करें? 1256 को 3 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर कितना आएगा? ये आपका 3 से डिवाइड किया, 4.18, मतलब के 4.19 बराबर है, 4.19। यूनिट लिखो सर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर 314, रेडियस है 4 माइनस 4.19। लो 16 से करेंगे 3140, माइनस 4.16, तो 46.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 08
मतलब के अप्रोक्स 46.1। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 44। नाउ लुक एट दिस नंबर 45 एंड दैट इज द लास्ट वन। ए बॉक्स कंटेन थ्री ब्लू ऐसे वायर्स, हम तो इसी को भी आ जाए, टू व्हाइट एंड फोर रेड मार्बल्स आर देयर। टोटल मार्बल्स 9। चलो ओके। मार्बल इज ड्रॉन इफ इट इज व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 2/9। आप मेरे जैसा मत लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 3/9, दैट इज 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 4/9, राइट। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा रहने दोगे तो चलेगा। दसाओ सेक्शन सी भी आपका खत्म हो गया है यहां पे मार्वेल का। मार्वेल सेक्शन, सॉरी मार्वेल नहीं, आई बेग योर पार्डन, एब्सोल्युटली बेग योर पार्डन, पेपर 3 लिबर्टी सेक्शन सी ओवर एंड आउट। इसमें ही किसी को कोई डाउट है, राइट, नहीं तो फिर आज तो काफी टाइम बाकी है। इज देयर एनी डाउट? कंपेयरिंग इक्वेशन x इक्वल टू 4 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c, राइट, व्हाट इज योर b? ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको सिखाए थे, राइट right? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन कंपेयर इट विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो व्हाट इज योर b? तो योर b इज नथिंग बट 0। अगर आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2x प्लस y इक्वल टू 0, तो यहां पे ऑप्शन अगर दिया है तो आपको ये भी ऐसा मान लो ऐसा लिखना पड़ेगा, 0 इक्वल टू 0। अगर यहां पे c भी नहीं है और एक आध ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट मतलब कि यहां पे y बाय 2 करके कुछ भी दिया हो, व्हाट एवर इट मे बी, पर यहां 0 वाला ऑप्शन आएगा, राइट, टेक केयर। फिर पेयर ऑफ इक्वेशन में ये आपकी पीडीएफ ही है, पीडीएफ में डायरेक्ट आंसर भी आपको आना चाहिए, बराबर। ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन में भी कई लोगों को थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, चलो एक क्वेश्चन है जो काफी खतरनाक है। प्रेजेंट एज कहां गया ऑफ रमेश, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज एक्स ईयर्स। क्वेश्चन समझना, महेश इज 5 ईयर एल्डर देन रमेश, रमेश से बड़ा एंड 3 ईयर्स यंगर देन, सुरेश। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश कितनी होगी? ऑप्शन है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 8 एंड 8 माइनस एक्स। पहले इसकी मेथड समझो, रमेश की प्रेजेंट एज एक्स है, महेश उससे बड़ा है, तो महेश राइट
5 years एल्डर देन रमेश, मतलब कि उसकी एज तो हो गई एक्स प्लस फाइव। अब ऐसा बोलते हैं कि रमेश बराबर महेश इज 5 year एल्डर देन रमेश बट 3 year यंगर देन सुरेश, मतलब के सुरेश माइनस महेश इक्वल टू 3 years बराबर, क्योंकि सुरेश इससे बड़ा हो गया। ये आपका जो महेश है 3 years यंगर देन सुरेश हो गया बराबर। सुरेश का एज हमारे पास नहीं है, महेश का एज अपने पास है, कितना है राइट 5 plus x दैट इज इक्वल टू 3। तो सुरेश की प्रेजेंट एज क्या होगी, दे -5 minus x इक्वल टू आपका 3 है, तो ये उसको उस तरफ ले जाओ, तो सुरेश प्रेजेंट एज x उस तरफ गया तो प्लस प्लस 5 plus 3 योर आंसर x प्लस 8 बराबर है राइट। यहां पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने ये सम कर भी दिया है। ग्राफ के बारे में भी अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दूं राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है उसको खास देखो। ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन डैश इज पैरेलल राइट पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर आई बेग योर पार्डन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ऑप्शन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 राइट एंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इतने ऑप्शन है। जरा देख लो परपेंडिकुलर है ना ग्राफ किसको, एक्स एक्सिस को बराबर। तो आपका पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्स, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा मतलब आपकी जो भी वैल्यू एक्स की है वो फिक्स है बराबर, एक्स की वैल्यू फिक्स है, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, मतलब के परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है बराबर। अगर आप वाई की वैल्यू यहां पे लेंगे 1, वाई की वैल्यू लेंगे 2, वाई की वैल्यू लेंगे ये 1 2 3 0 राइट -1 -2 सभी वैल्यू यहां इसकी फिक्स है, तो ऐसी कोई वैल्यू फिक्स है तो कि यहां पे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस में 3x + 2 इक्वल टू राइट, तो एक्स इक्वल टू -2/3 इसका इस तरफ आएगा, सॉरी ना -2/3 -2/3 एक्स एक्सिस का बराबर परपेंडिकुलर टू, 0 लेंगे तो -2/3, 1 लेंगे तो -2/3, ये 2 लेंगे तो -2/3 राइट, 3 लेंगे तो -2/3, मतलब के आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, तो आपको जो वैल्यू है वही लेनी है आपकी बराबर, वो खास ध्यान में रखो। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 117, ग्राफ ऑफ इक्वेशन डैश इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में एक्स के बदले वाई होता तो क्या होता राइट, तो एक्स के बदले वाई होता तो ये इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाती, इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाती, मतलब 2y - 3 आंसर आता बराबर। दूसरा क्वेश्चन देखो राइट 119, ग्राफ ऑफ इक्वेशन डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब के आपका ये एक्स एक्सिस है, इसको ऐसे पैरेलल आएगा तो वैल्यू कौन सी लेंगे राइट, पैरेलल हुआ तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, 2x - y, x - 2y और 2y = 3। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो वैल्यू वाई लेनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2y = y = 3/2, 3/2 मतलब कि ये 1
राइट, ये 2 और ये 3 बाई 2। कोई भी वैल्यू x की ले लो, x की यहां से लोगे, 0 लिया तो ये आया, 1 लिया तो ये आया, 2 लिया तो ये आया, 3 लिया तो ये आया, माइनस 1 लिया तो ये आया, लाइक दैट। मतलब के पैरेलल हुआ तो आपको इसको x एक्सिस को पैरेलल हुआ, मेरी बात सुन लेना, पैरेलल हुआ तो वैल्यू ऑफ y लेने की, ऐसे y वाला इक्वेशन लेने का। परपेंडिकुलर हुआ तो x वाला वैल्यू x को ही लेने का, परपेंडिकुलर टू x मतलब के x की वैल्यू ही लेने की। यहां पे देखो x इक्वल टू माइनस 2/3, ऐसे y से वर्षा। अगर y एक्सिस के लिए है राइट तो उसका उल्टा आएगा। तो आप समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से? किसी को कोई को डाउट है? इज देयर एनी डाउट? अब नहीं है तो हम लोग स्टॉप करते हैं।